जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वो है राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2022 के ऊपर हाल ही में अभी संपन्न हुए हैं। ठीक, तो आज का जो वीडियो है इसी पे है और इससे संबंधित ठीक जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, चीज़ों को समझें, ठीक है। और जो भी चीज़ इस वीडियो में बताई जा रही है उसको परीक्षा की दृष्टि से तैयार कर लें, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगें वो मैं बता दूंगा, ठीक। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले वो आप पढ़िए, वीडियो को देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। तो जैसा कि इस खेल का नाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल, ठीक। तो ये इतना क्लियर है कि राष्ट्रमंडल खेल और कॉमनवेल्थ गेम जो है वो एक ही चीज़ है। तो ये जो गेम है ये कोई नेशनल लेवल गेम नहीं है, गेम्स नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल्स गेम है, ठीक। और इनमें कोई एक खेल नहीं होते, इनमें कई प्रकार के खेल होते हैं। लेकिन आगे की जानकारी जो मैं बताऊंगा उससे पहले आप जान लीजिए कि जो राष्ट्रमंडल होता है इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो कॉमनवेल्थ होता है या राष्ट्रमंडल होता है ये नाम क्यों पड़ा, होता क्या है इसका मतलब। तो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्रों का समूह या मंडल जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे हैं, ठीक। मतलब अंग्रेज़ों ने जब कभी, ठीक है, मतलब जहाँ कहीं भी अपना उपनिवेश स्थापित किया है या फिर उन देशों पर शासन किया है तो वे जो देश हैं वो राष्ट्रमंडल कहलाते हैं। तो उन्हीं का एक समूह जो है वही क्या होता है, राष्ट्रमंडल होता है, ठीक। तो ये बात हो गई राष्ट्रमंडल, तो इसमें वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे थे, ठीक। तो ये हो गई राष्ट्रमंडल शब्द का मतलब क्या होता है। अब कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी जो चीज़ें, नई नई जानकारी हैं, अभी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से भी आपको कई नई नई जानकारियां मिली होंगी, उस पर आने से पहले मैं इसके थोड़े इतिहास की बात करूंगा, ठीक। ये भी जान लीजिए कि इसके इतिहास के बारे में, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अगर इतिहास की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम जो है हमने इसको शॉर्ट में CWG लिख दिया, ठीक, कॉमनवेल्थ गेम्स। इतिहास की बात करें इसके तो पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था वो 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1930 में हुआ था पहली बार इसका आयोजन, और ये हैमिल्टन में हुआ था, और हैमिल्टन आपका पड़ता है कनाडा में, ठीक। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहते थे या फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी इसको जानते थे, और इसका आयोजन जो होता है हर 4 साल में होता है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि इसका जो आयोजन होता है वो 4 सालों में। और पॉइंट की बात करें तो 1934 में भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था, ठीक। तो ये इसके इतिहास की बात हो गई, बहुत ही कम शब्दों में बताया है, बाकी इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है। लेकिन नॉर्मल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो कि मतलब पहली बार आयोजन कहाँ हुआ और किस शहर में हुआ, और आयोजन हर साल जो होता है 4 सालों में। 22वें कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम उससे पहले जो हमारा 21वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था और किस शहर में हुआ था, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात करेंगे। तो इस जो 2018 जो बीत चुका है 4 साल पहले, तो उसी में गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया में हमारे 21वें राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए थे। अब इसमें भारत ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए थे। गोल्ड को स्वर्ण कहते हैं, सिल्वर को रजत पदक और ब्रॉन्ज को कांस्य पदक। तो टोटल 66 मेडल्स भारत ने प्राप्त किए थे। और 2018 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, और भारत की रैंक 3rd थी। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी है, इसको भी आप अपने ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 की। इसमें एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप पूरे ध्यान से पढ़िएगा और एकदम रट लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले इसका आयोजन जो है वो बर्मिंघम में हुआ था, ठीक, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुके हैं, और ये इंग्लैंड में है, ठीक। डेट क्या है, 27 जुलाई से 8 अगस्त 2022, और जो उद्घाटन हुआ था वो अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखिए।
मान लीजिए पूछ लें कि अलेक्जेंडर स्टेडियम कहाँ है तो आप बता सकेंगे इंग्लैंड में है, ठीक, बर्मिंगम में। अब बात आती है इसके मस्कट की, कहीं कहीं क्वेश्चन में मस्कट भी दे देता है, शुभंकर भी दे देता है, लोगो भी अगर दे दे तो उसका मतलब शुभंकर ही होगा। तो इसका शुभंकर है पेरी द बुल, ठीक, क्या शुभंकर है पेरी द बुल। और आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन या गेम्स फॉर ऑल, हिंदी में कहें तो सभी के लिए खेल, ठीक, ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आदर्श वाक्य है। इसमें भाई कितनी टीमें भाग लेंगी, अब एक देश एक टीम का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक, उसके अंतर्गत तो बहुत सारे खेलों की टीमें होंगी, लेकिन भाग लेने वाले राष्ट्र पूछे या भाग लेने वाली टीमें पूछे तो आप क्या लगाएंगे 72, और इसमें लगभग 5054 एथलीटों ने भाग लिया था। पहली बार इसमें कौन सा खेल शामिल हुआ है, महिला क्रिकेट, ठीक, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में आपको महिला क्रिकेट भी देखने को मिला होगा, ठीक, और ये खेल इसमें पहली बार शामिल हुआ है। और एक और बात, अगर संस्करण पूछ लें तो ये इसका 22वां संस्करण है, तो 2022 में हो रहा है और 22वां संस्करण है, तो आप इसको इस कॉम्बिनेशन से याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ कॉमन सी बात हो गई। अब और बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 20 खेल और 280 स्पर्धाएं हुई हैं, ठीक, तो ये बात हो गई। कुछ और चीज़ें देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, 5 बार हुआ है, ठीक, और आगे भी एक होना है शायद 2026 में, ठीक, लेकिन 5 बार हो चुका है सबसे ज़्यादा। और ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 3 बार, इसको मिला के 3 बार हो चुका है, 1934 में हुआ, 2002 में हुआ और 2022 में हुआ। तो ये कुछ बातें थी कॉमनवेल्थ गेम 2022 की, जिनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं कहीं, ठीक। अब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत की क्या स्थिति रही। सबसे पहले जब ये गेम्स का उद्घाटन होता है तो हर देश का एक ध्वजवाहक होता है, तो ऐसे ही भारत के उद्घाटन कार्यक्रम में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। अगर एग्ज़ाम में एक ऑप्शन आपको दिखता है तो आप पीवी सिंधु अगर मिलता है तो पीवी सिंधु लगा दीजिए, या मनप्रीत सिंह मिलता है तो मनप्रीत सिंह लगा सकते हैं। अब बात आती है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया, तो 215 खिलाड़ियों को भाग लेना था, लेकिन नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित हैं और ऐश्वर्या बाबू जो ट्रिपल जंप से संबंधित हैं, ठीक, तो इन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक, और तो टोटल इसमें 2 माइनस कर दीजिए तो भाग लेने वाले खिलाड़ी 213, 107 पुरुष और 106 महिलाएं, ठीक। तो ये हो गई संख्या कि कितने खिलाड़ियों ने, कितने भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पार्टिसिपेट किया था। अब उद्घाटन कार्यक्रम में जैसे भारतीय ध्वजवाहक होते हैं, वैसे ही समापन कार्यक्रम में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, निकहत जरीन, बॉक्सिंग की ये खिलाड़ी हैं, और पुरुष में बात करें तो अचंता शरत कमल या टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो समापन कार्यक्रम में भारतीय ध्वजवाहक थे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे शायद पूछा जाए उसमें, तो आप ध्यान में रखिए कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है, अनहत सिंह हैं, कितनी 14 साल की हैं और स्क्वाश गेम से संबंधित हैं। तो ये कुछ कॉमन बातें थी, आई होप ये आपको समझ में आए होंगी, आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पदकों की बात करें तो पदक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और भारत जो है वो चौथे स्थान पर है, ठीक। भारत को कितने 61 को टोटल पदक या कुल मेडल्स कितने मिले हैं, 61, जिनमें से 22 गोल्ड हैं और 16 रजत पदक हैं, सिल्वर है, और ब्रॉन्ज या कांस्य कितने हैं, 23। तो 22, 16, 23 आप याद कर लीजिए, टोटल पदक कितने हैं 61 और पदक तालिका में कौन सा स्थान है, चौथा, और 22 गोल्ड, 16 रजत और कांस्य 23 हो गए, ठीक। तो ये संख्या, अब हम एक चार्ट देखेंगे, इन चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस गेम में कौन से खिलाड़ी ने किस इवेंट्स में कौन सा पदक प्राप्त किया,
ठीक, क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैंने चार्ट बना दिया है आप लोगों के लिए, तो आई होप इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से समझ जाएंगे। ठीक, तो वेट लिफ्टिंग गेम में जितने भी खिलाड़ी हैं ये सब किससे संबंधित हैं, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं या भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता है मीराबाई चानू का। ठीक, तो मीराबाई चानू ये वुमेन्स में 49 kg इवेंट्स में इनको स्वर्ण पदक मिला। ऐसे ही जर्मी लाल रिनुंगा को मेंस 67 kg में स्वर्ण पदक मिला। अंचिता सेवली को मेंस 73 kg में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। संकेत सरगर को मेंस 55 kg में रजत पदक मिला। बिंदिया रानी देवी को वुमेंस 55 kg में रजत पदक। विकास ठाकुर को 96 kg में रजत पदक। गुरुराज पुजारी को 61 kg में कांस्य पदक मिला। हरजिंदर कौर को ऐसे ही वुमेंस में 71 kg में कांस्य पदक मिला। लवप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह, तो लवप्रीत सिंह को 109 kg और गुरप्रीत सिंह को 109+ kg में कांस्य पदक मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पदक, 10 मेडल्स वेट लिफ्टिंग में प्राप्त हुए, जिनमें से 1, 2, 3 स्वर्ण हैं, 1, 2, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य हैं। ठीक, तो 3, 3, 6 और 6, 4, 10 ये 10 हो गए। तो आप याद कर सकते हैं कि स्वर्ण किनको किनको मिला, मीराबाई चानू, जर्मी और अंचिता सेवली को। ठीक, तो ये वेट लिफ्टिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग में यहाँ पे जितने भी खिलाड़ियों के नाम हैं सब किससे संबंधित हैं, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। तो नीतू गंगस वुमेन्स 48 kg में इनको स्वर्ण पदक मिला। अमित पंगस ये मेंस फ्लाईवेट 51 kg में स्वर्ण पदक। निकहत जरीन, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, बाकी याद तो आप सब रखिएगा। निकहत जरीन वुमेंस 48-50 kg में स्वर्ण पदक। सागर अहलावत मेंस 92+ kg सुपर हैवीवेट में सिल्वर। जैस्मिन लेम्बोरिया वुमेंस 60 kg लाइट वेट में कांस्य। रोहित टोकस 67 kg वेल्टर वेट में कांस्य। और मोहम्मद हुशामुद्दीन 57 kg फेदर वेट में कांस्य। तो इस प्रकार बॉक्सिंग में आपने देखा कि 1, 2, 3 स्वर्ण मिले हैं, 1 सिल्वर मिला है और 3 कांस्य मिले हैं। टोटल 3, 1, 4 और 4, 3, 7 पदक बॉक्सिंग में भारत को प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आप नीतू गंगस, अमित पंगस, निखा जरीन जिनको स्वर्ण मिला है याद रखिएगा, बाकी नाम आप याद रखिएगा कि रजत पदक किसको मिला। ठीक, सिल्वर या रजत पदक। अगर जूडो की बात करें तो जूडो में तुलिका मान को रजत पदक मिला 78 kg में वुमेंस में, और सुशीला देवी को वुमेंस 48 kg इवेंट्स में रजत पदक, और विजय कुमार यादव को मेंस में 60 kg कांस्य पदक मिला। ठीक, तो जूडो में ये जितने भी खिलाड़ियों के नाम हैं ये सब जूडो से संबंधित हैं। पेपर में पूछ लेगा कि सुशीला देवी किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको पता होगा तो आप जूडो लगा देंगे। ठीक, तो ये 3 नाम याद रखिएगा। और महिला क्रिकेट जो टीम थी, तो इसमें इस ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट को भाई शामिल ही किया गया था, तो इसमें भारतीय महिला टीम को रजत पदक मिला है। ठीक, तो ये बातें आप याद रखिएगा, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, वेट लिफ्टिंग का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बात करें रेसलिंग मतलब कुश्ती की, तो सबसे ज़्यादा जो भारत को पदक मिले हैं तो भाई कुश्ती में मिले हैं। कमाल कर दिया भाई, जितने भी खिलाड़ी हैं सब ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। तो बजरंग पुनिया 65 फ्री स्टाइल, सबकी भाई जो ये बजरंग पुनिया 65 फ्री स्टाइल में इनको स्वर्ण मिला। साक्षी मलिक को स्वर्ण मिला, दीपक पुनिया को स्वर्ण मिला, रवि कुमार दहिया को भी स्वर्ण मिला, विनेश फोगाट को स्वर्ण मिला, नवीन को भी स्वर्ण मिला। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्वर्ण किसमें मिले, कुश्ती में। और अंशु मलिक को रजत पदक मिला, पूजा गहलोत को कांस्य पदक, पूजा सिहाग को कांस्य पदक, दीपक नेहरा को कांस्य पदक, दिव्या काकरण को कांस्य पदक, मोहित ग्रेवाल को कांस्य पदक। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 12 मेडल्स यानी 12 पदक कुश्ती में भारत को मिले, और इन सभी खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन के जरिए। तो ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर कुश्ती में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा इस बार, तो इनको आप जरूर याद कर लें। अब चलते हैं टेबल टेनिस में,
तो टेबल टेनिस में भारतीय जो पुरुष टीम है मेंस इवेंट्स में उसने स्वर्ण पदक मिला, और शरद कमल और सीजा अकुला मिक्स डबल में स्वर्ण पदक मिला, शरद कमल को मेंस सिंगल्स में स्वर्ण पदक, शरद कमल और जी साथियान मेंस डबल में रजत पदक, साथियान गड़ाना शेखरन को मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक मिला। ठीक, तो मतलब 3 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य टेबल टेनिस में मिले। ठीक, तो आप इन जो नाम है खिलाड़ियों के याद रखिएगा। अगर हम बात पैरा टेबल टेनिस की बात करें तो भाविना पटेल इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि इनको स्वर्ण मिला है, और ऐसे सोनल बेन पटेल को कांस्य मिला है। ठीक, ऐसे बैडमिंटन में पीवी सिंधु भाई, इन्होंने फिर से एक बार कमाल कर दिया। पीवी सिंधु वुमेन सिंगल्स में स्वर्ण मिला है, लक्ष्य सेन को स्वर्ण मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की डबल मेन्स की जोड़ी ने भी स्वर्ण भारत को दिलाया। भारतीय मिक्स टीम को रजत भाई मिला है, किदाम्बी श्रीकांत को कांस्य, त्रिशा जौली पुलेला गायत्री गोपीचंद को भी कांस्य मिला है। तो बैडमिंटन में 3 स्वर्ण मिले हैं, 1 रजत मिला है और 2 कांस्य मिले हैं। ठीक, पैरा पावर लिफ्टिंग ये आप याद रखिएगा, सुधीर हैवी वेट में इनको स्वर्ण पदक मिला है। लॉन बॉल्स में इसको भी आप याद रखिएगा सही से कि भारतीय महिला टीम 4 ये मतलब 4 लोग होते हैं टीम में, तो स्वर्ण पदक मिला है। वहीं की बात करें तो भारतीय पुरुष टीम को रजत पदक मिला है, भारतीय महिला टीम को कांस्य मिला है। स्क्वैश की बात करें तो दीपिका पल्लीकल सौरभ घोषाल मिक्स डबल में कांस्य पदक, और सौरभ घोषाल मेंस सिंगल्स में इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक, अब एथलेटिक्स के में कई सारे गेम्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एल्डहॉस पॉल को ट्रिपल जंप में स्वर्ण मिला है, मुरली श्री शंकर को लॉन्ग जंप में रजत मिला है, प्रियंका गोस्वामी को 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत मिला है, तो अब्दुल्ला अबू बकर को ट्रिपल जंप में रजत मिला है, अविनाश साबले को 3,000 मीटर स्टिपल चेज में रजत पदक मिला है, तेजस्विन शंकर को हाई जंप में कांस्य मिला है, संदीप कुमार को 10,000 मीटर रेस वॉक में कांस्य मिला, और अन्नू रानी को भाला फेंक में कांस्य मिला है। तो एथलेटिक्स के कुछ गेम हैं, और ये पदकों की तालिका किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता सब स्पष्ट है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 61 हमारे जो पदक हैं वो हो चुके हैं, और इसी के साथ आप देखिए कि टोटल 61 में 22 गोल्ड 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज भारत ने जीते। तो जितनी भी जानकारियाँ अभी हमने आपके सामने रखी हैं उनको आप सही से पढ़ लें, और जितने भी स्वर्ण हैं टोटल 22 स्वर्ण हैं उनमें इम्पॉर्टेंस तो सभी हैं, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको ऑप्शन से आइडिया हो जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंधित है। ठीक, और किस खिलाड़ी को स्वर्ण मिला है। तो एक दो बार रिवीजन करिए, तैयार हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो में कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी प्रयास सही रहा कि जितना भी डाटा है कॉमनवेल्थ गेम 2022 से संबंधित वो आपके सामने रखा जाए, और इसलिए मैंने पहले इतिहास के बारे में बात कर ली, छोटी ज़्यादा इतिहास की गहराई में नहीं गए इससे संबंधित, बस जो भी ज़रूरी पॉइंट एग्ज़ाम में पूछने के लिए बनते हैं उनसे ही बात करी, और उसके बाद जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनके बारे में थोड़ी बात कर ली। ठीक, अब आप देख लीजिए कि जो नेक्स्ट होने वाले हैं, तो अगला कब होगा, 2022 में हुआ, 4 साल बाद 2026 में हुआ, ये कहाँ होगा। तो जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम है ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो पेपर में पूछ लेते हैं फ्यूचर में आने वाले कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। तो आप याद रखिए कि 2022 में हो गया, अब 4 साल बाद 2026 आएगा, 2026, तो वो कहाँ पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक, तो ये जानकारी आपको जितनी भी प्रोवाइड कराई है इनको आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और इसको ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।